The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal. Kaise hain aap? So, main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hamari baat hone wali hai ek bahut hi important topic. Ye hai maltodextrin. ये बहुत ही फियर्ड सब्सटेंस है, एक ऐसा पाउडर सब्सटेंस है जो बहुत सारे फूड, प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है और कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि ये ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा ख़राब है. इवन बच्चों के ड्रिंक्स, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये ड्रिंक वो ड्रिंक, जो चीज़ें होती हैं जो आप दूध में मिला के पीते हैं, ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन कईयों में माल्टोडेक्सट्रिन है. सो क्या है माल्टोडेक्सट्रिन, आज हम बात करेंगे सो दैट पीपल कैन नो वॉट दे आर giving their children, वो क्या खा रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं. सो माल्टोडेक्सट्रिन क्या है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कई सारे कॉमन एडिक्टिव्स, ऐसे प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है. एक कॉमन एडिक्टिव चीज़ है जो ऐड की जाती है. क्यों ऐड की जाती है समझते हैं. ये बेसिकली है क्या, ये कॉर्न, मक्की, राइस या पोटैटो स्टार्च या वीट से बना गया माल्टोडेक्सट्रिन वाइट पाउडर होता है, ठीक है. और ये प्लांट से आता है लेकिन ये बहुत हाईली प्रोसेस्ड होता है. बिकॉज ये हाईली प्रोसेस्ड है इस वजह से इसको बुरा माना जाता है, लोग इसे बुरा मानते हैं. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना बुरा हो सकता है, बट क्यों फिर गवर्नमेंट इन सारे प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोसेस फूड जिनमें माल्टोडेक्सट्रिन होता है उन्हें बैन नहीं कर देती. व्हाट इज द रीज़न, क्यों? सो लेट्स सी कैसे बनता है ये. टू मेक इट, पहले ये स्टार्च जो होता है, स्टार्चेस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कुक करते हैं और उसके ऊपर एसिड एंजाइम्स, हीट स्टेबल बैक्टीरियाज उनके ऊपर से ब्रेक करते हैं उसको, और उसके वजह से जो एक्चुअल में वाइट पाउडर, वाटर सॉल्युबल वाइट पाउडर सा, एक तरीके से कह लीजिए उसको एक पेस्ट जैसा टेस्ट, न्यूट्रल टेस्ट आता है, उसको कोई टेस्ट नहीं होता, वाइट पाउडर आ जाता है. ये जो है कॉर्न सिरप्स जो होते हैं, सॉलिड कॉर्न सिरप्स, वो उसके जैसा भी क्लोजली रिलेट किया जा सकता है. और इसमें डिफरेंस ये है शुगर कंटेंट का, कॉर्न सिरप्स में और ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, राइट. और केमिकल प्रोसेस इसके अंदर काफ़ी सारे यूज होते हैं बिकॉज दिस इज बेसिकली बहुत ही प्रोसेस्ड फूड, ठीक है. तो माल्टोडेक्सट्रिन इज लेस देन 20% शुगर, ये ध्यान रखें. सो कॉर्न सिरप में रहता है और ये. सो इज इट सेफ, बेसिकली देखो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है कि ये एक सेफ फूड एडिक्टिव है, यानी खाने में इसे डाला जा सकता है. सवाल है डालना क्यों है, क्यों डालना है, क्योंकि ये कई सारे खाने की चीज़ों के, एक तो ये खाने में डालने से कार्बोहाइड्रेट का काउंट बढ़ा देगा, ठीक है. और क्योंकि ये बोलते हैं कि भी कई सारी गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करना है, तो ये भी बोलते हैं कि 45% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत रखो, कि भाई बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, फाइबर होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो अगर आप एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ऐसी चीज़ें माल्टोडेक्सट्रिन जैसी चीज़ लेने से ऑब्वियसली शुगर लेवल्स और बढ़ेगा. तो डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है. लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लेते हैं तो आप माल्टोडेक्सट्रिन वाली चीज़ों को कम यूज़ करें, और अगर आप माल्टोडेक्सट्रिन वाली कोई चीज़ ले रहे हैं तो टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंट आपके बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात. सो डाइट में स्मॉल अमाउंट्स में इसको फूड में डाला जाता है, क्योंकि इतना स्मॉल अमाउंट होता है कि ये ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कर सकता हल्के अगर आप वो चीज़ें ज़्यादा खाते हो. टेक्निकली व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड बैड, क्योंकि माल्टोडेक्सट्रिन इज वेरी हाई ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि बहुत ही जल्दी आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर देता है. इज इट सेफ, यस इट इज सेफ टू कंज्यूम इन वेरी स्मॉल अमाउंट, याद रखिए यहाँ वर्ड आ रहा है वेरी, तो वेरी स्मॉल अमाउंट्स में ये सेफ है. मगर जिनको डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मोटे हैं, उन लोगों को ये बिल्कुल कतई नहीं लेना चाहिए. ओके, सो व्हाई इज इट एडेड, क्यों भाई ऐड करना ही क्यों है. जनरली ये इसलिए ऐड किया जाता है कि जो आइसक्रीम या जो प्रोसेस फूड, जो मिल्क में डालने वाले शेक्स होते हैं, वो और थिकर महसूस हो, वो वॉल्यूम उसका बढ़ जाए, उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ जाए. फिलर्स होते हैं ये प्रोसेस फूड के, और ये एक तरीके से प्रिजर्वेटिव भी है जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है. दोनों केस में कंपनीज का फायदा होता है, तो ये थिकर होता है तो टेस्ट में फुल थिक थिक महसूस होता है, और ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो कंपनी का माल ज़्यादा चलेगा. सो प्रिजर्वेटिव भी है, शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा डालते हैं. और यहाँ पर क्या है कि ये एक इनएक्सपेंसिव और इजी टू प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस है, आराम से निकल जाए, ज़्यादा पैसा नहीं लगता इसमें, इसलिए लोग उसे यूज़ करते हैं. तो ये कई सारी चीज़ों में, पुडिंग, जेलेटिन, सॉसेज, सैलेड ड्रेसिंग जो आप लेते हैं मार्केट से, उन सब में माल्टोडेक्सट्रिन
होता है, याद रखें। इसीलिए कई सारे चैनलों में आप देखेंगे सीधा उसके इंग्रेडिएंट माल प्रोटेक्शन ये खराब है ऐसा डायरेक्ट बोल देते, बट ऐसा नहीं है, सो याद रखें। और इसके साथ में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल स्वीट डेजर्ट्स, पाउडर ड्रिंक्स, कैंड फ्रूट्स होते हैं, और ये बेसिकली जो भी चीज़ को कंबाइन ये थिक कर देगा उसको, ये थिक कर देगा। और इसीलिए ये इन लोशंस में भी यूज़ किया जाता है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है एज अ थिकनर, जो 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 भी लिक्विड होता है उसको पानी जैसा इन थिक थिक बना देगा। सो माल्टोडेक्सट्रिन इसलिए ऐड किया जाता है। क्या इसमें किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल, ऑब्वियसली ये कार्बोहाइड्रेट है तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज आपको मिलेगी, सेम जैसे सुक्रोज शुगर कार्बोहाइड्रेट की मिलती। सो क्या ये आपके एनर्जी लेवल्स को क्विकली बूस्ट कर सकता है? कर सकता है, बट माल्टोडेक्सट्रिन जो है उसका GI हाई होने के बावजूद नॉर्मल शुगर से ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो बाकी सब प्रोसेस फूड में डाली जाती है वो बहुत कम होती है, कम मात्रा में डाला जाता है। सो आप इसको कम मात्रा में ले सकते हैं प्रोसेस्ड फूड कायदे से, वैसे तो आपने मिनिमम ही रखना चाहिए इन ऑल जनरल, पर अगर ले लिया तो जहर जैसा काम नहीं करेगा, तो मर नहीं जाओगे। कभी कभी यू कैन इंडल्ज इन योर वट एवर आप खाना चाहते हैं, हाई GI माल्टोडेक्सट्रिन होने की वजह से इंसुलिन स्पाइक करेगा, मोटापा कर सकता है, शुगर खराब कर सकता है, डायबिटीज लोग वाले लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग, पतले होना चाहते हैं जो वो अवॉइड करें, और जिनको भी डायबिटीज होने का रिस्क है वो भी अवॉइड करें, या सबसे जरूरी वर्ड है लिमिट माल्टोडेक्सट्रिन, राइट, लिमिट करें। लिमिट करने से, ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड खाने से गट बैक्टीरिया, आपके जो पेट के इंटेस्टाइन के जो हेल्थी बैक्टीरिया उसमें भी डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, तो उसको भी कम रखें, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस्ड फूड कम रखने से आप बीमार भी कम होंगे, और दिस बहुत ज्यादा मात्रा में माल्टोडेक्सट्रिन लेने से ग्रोथ भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आपके जो गट बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ भी सप्रेस हो सकती है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, और कई बार ऑटो इम्यून डिजीज या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने के रिस्क हो सकते हैं माल्टोडेक्सट्रिन से। अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कोई बीमारी है तो आप माल्टोडेक्सट्रिन को बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड, यानी प्रोसेस फूड बंद, ठीक है। इसीलिए जिनका भी पेट खराब होता है उन्हें पहले चीज बाहर का खाना बंद। सो माल्टोडेक्सट्रिन कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूटन अलग चीज है, ग्लूटन इज अ प्रोटीन, और कई लोग ग्लूटन फ्री डाइट लेते हैं, ग्लूटन पे हमारा एक डिफरेंट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, पर माल्टोडेक्सट्रिन इज बेसिकली उसके अंदर एक माल्ट नाम है, बिकॉज इट इज मोस्टली वो पहले बारली से बनाया जाता है, माल्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। पर माल्टोडेक्सट्रिन इज टेक्निकली ग्लूटन फ्री इवन वेन इट इज मेड फ्रॉम वीट, सो इट इज ग्लूटन फ्री, मगर जिनको ग्लूटन एलर्जी है वो माल्ट वाली चीज, माल्टोडेक्सट्रिन वाली चीज ले सकते, फिर भी टेक्निकली प्रोसेस्ड फूड कम ही खाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको सीलिएक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी है तब भी, ओके। प्लस जैसा मैंने बताया, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो माल्टोडेक्सट्रिन आपके लिए अच्छा नहीं है, यू कैन यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया, समथिंग लाइक दैट, या शुगर की कंटेंट प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम में ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं GMO फूड्स के बारे में। कई सारे लोग इस चीज़ के बारे में भी बहुत चिंतित होते हैं कि GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोय, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है, क्या वो सेफ हैं, क्या नहीं है। नॉर्मली माल्टोडेक्सट्रिन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम GMO कॉर्न और GMO फूड, इसलिए इस मामले में और ज़्यादा वो दिक्कत करने लग जाता है लोगों के लिए कि माल्टोडेक्सट्रिन तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए, बट टेक्निकली वेरी स्मॉल अमाउंट में ये सेफ है, ओके, याद रखें। और GMO फूड डज नॉट मीन कि GMO खराब है, GMO इज सेफ, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो अनसेफ होता है वो मार्केट से निकाल दिया जाए, जो सेफ है वो सेफ है, इट मीट्स ऑल द सेम स्टैंडर्ड्स जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के लिए रखे गए हैं फूड ड्रग एसोसिएशन द्वारा, राइट, एंड यू हैव टू ट्रस्ट समबडी, राइट, इफ यू वॉन्ट टू ईट फूड, ऑब्वियसली आस पास देखोगे तो हर चीज में किसी में कलर, किसी में ये, किसी में वो, कुछ ना कुछ कोई पेस्टिसाइड, कुछ ना कुछ आपको गंदगी दिखेगी, बट देन टेक्निकली दैट इज सेफ दैट साइड। तो GMO का कॉन्सेप्ट हो गया, बट दैट्स अ चॉइस, अगर आप चाहते हैं GMO नहीं खाना है, मेरे को ऑर्गेनिक खाना है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स गुड फॉर यू। सो उस केस में आप ऑब्वियसली माल्टोडेक्सट्रिन वाले प्रोसेस फूड को और बढ़िया अवॉइड करें। मेरा कहने का मतलब ये है, डायबिटीज वाले लोग और वेट लॉस करने वाले लोग माल्टोडेक्सट्रिन से दूर रहें, बहुत ही कम मात्रा में, कभी कभार ले लिया तो कोई बहुत पाप नहीं हो जाएगा। सो माल्टोडेक्सट्रिन के बारे में ये है। एक्सरसाइज कैन ऑल्सो, माल्टोडेक्सट्रिन वाले कुछ ड्रिंक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है, एथलीट्स के लिए भी अच्छा रह सकता है, बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स क्विकली, बहुत जल्दी आपके शुगर लेवल्स बढ़ाएगा, बहुत जल्दी आपको एनर्जी लेवल देगा, बट माल्टोडेक्सट्रिन इज अ प्रोसेस्ड फूड, कैन नॉट बी टेकन इन अ वेरी हाई अमाउंट, सो माल्टोडेक्सट्रिन को इस मामले में भी आपको कम ही लेना है। ऑलराइट, सो क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया वाले लोग जिनको बार बार शुगर लो हो जाती है, उनके लिए भी माल्टोडेक्सट्रिन एक
सोल्यूशन हो सकता है। तो ग्लूकोज ले सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, माल्टोडेक्सट्रिन भी जल्दी अब्सॉर्ब होता है वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। और जिनको कैंसर का हो चुका है या रिस्क है उनके लिए भी बोला जाता है यू शुड अवॉइड माल्टोडेक्सट्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टडीज भी हुई है इसमें जिसमें देखा गया है कि यहाँ तक कि कुछ स्टडीज में ये देखा गया है माल्टोडेक्सट्रिन हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल डाइजेशन, कुछ स्टडीज में वहाँ पे रिस्क बनाया गया है कुछ में ये, सो मिक्स स्टडीज हैं। टेक्निकली जितना इसको कम खाएंगे उतना अच्छा ही रहेगा, याद रखें। सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ माल्टोडेक्सट्रिन, अगर चाह ही रहे हैं कि भी कुछ और यूज़ करना है तो वाइट या ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं मीठे के लिए, हनी, कुछ मेपल सिरप भी वैसे बहुत मीठा होता है, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न सिरप भी बहुत मीठा, मोलासेस भी बहुत मीठा होता है। सो मीठी चीज़ों में यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, होल फ्रूट्स, स्वीटेंड फ्रूट, शुगर फ्रीज, स्टीवियाज, दोज आर बेटर ऑप्शंस। ऑलराइट, सो दिस इज इज हेल्दियर ऑप्शंस। आप स्टीविया बेस्ड स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल, एरिथ्रिटॉल, पॉलीडेक्स्ट्रोज, तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका शुगर जो है बेटर कंट्रोल होगा। सो टेक इन टू अकाउंट कि माल्टोडेक्सट्रिन कैन फॉर्म अ पार्ट इन योर हेल्दी डाइट ऑल्सो, बट इन अ वेरी वेरी लेस क्वान्टिटी, लिमिटेड, एंड यू कैन टेक इट वेरी, यू नो, कभी कभी लेने में कोई नुकसान नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट माल्टोडेक्सट्रिन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।